नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर कुछ इतनी बड़ी कंपनी का सीड लेकर आया हूं, जो कि पहले मैंने 56 कद्दू का जो बीज लगाया इसमें मेरे को रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, इसमें अच्छी ग्रोथ नहीं आई। जितना मैं चाहता था कि जितने हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमको ग्रोथ मिलनी चाहिए, तो देखिए उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिली हमको। अभी इसमें थोड़े ही फल मिले, मगर जिस तरह से दिखाते हैं उस तरह से नहीं मिले। फिर मैंने कुछ दिन पहले, मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने 56 कद्दू लगाया, उससे मेरे को रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो मैंने फिर कुछ दिन बाद मैंने यहाँ पर 56 कद्दू को दो बीज लगाए, और ये दोनों को दोनों बीज देखिए बहुत अच्छी तरह से अंकुरित हो गए और ये काफ़ी बड़े भी हो गए। मगर मेरे को लगा कि ये तो बीज उसी कंपनी का है जिस कंपनी का बीज मैं लेकर मैंने यहाँ पर बोया, ऐसा ना हो कि इस बीज से मेरे को भी रिजल्ट अच्छा ना मिले और समय मेरा निकल जाए, क्योंकि ये जो मौसम है ये 56 कद्दू को लगाने के लिए बहुत उचित समय है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप 56 कद्दू को लगा सकते हैं, पर 56 कद्दू अगर जनवरी में आप लगाएंगे हो सकता है बीज अंकुरित ना हो। तो जैसे मैंने अभी आपको एक दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको पॉली हाउस बनाकर दिखाया था, उस तरह के पॉली हाउस में अगर आप बीज अंकुरित करेंगे तो किसी भी तरह का बीज, किसी भी सब्जी का बीज आप उसके अंदर पॉली हाउस के अंदर रख के अंकुरित करेंगे तो अंकुरित हो जाएगा। और वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो मेरा पॉली हाउस वाला, तो मेरा यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल पर मेरा वीडियो अपलोड है कि मैंने कितना सुंदर पॉली हाउस केवल मात्र 150 रुपये में तैयार किया था। फिर मैंने सोचा कि अब बहुत बड़ी कंपनी का बीज लेना चाहिए जिससे हमको बड़े बड़े साइज के 56 कद्दू का फल मिल सके। उसके लिए मैंने क्या किया कि देखिए, नामधारी कंपनी, आपने नामधारी कंपनी का नाम सुना होगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है। देखिए 56 कद्दू का नामधारी कंपनी का मैं बीज लेकर आया, और इस बीज को जब मैंने बहुत सर्च किया, रिसर्च किया, तब मेरे को पता चला कि ये एक एक पौधा बहुत बहुत फल देता है। तब मैंने इस हाइब्रिड सीड का चुनाव किया और मैं इससे अभी आज आपको काट के आपके सामने मैं अभी 4 पौधे लगाऊंगा, और अगर वो पौधे अच्छे निकले चलेंगे तो फिर मैं इस साल फिर इन्हीं 4 पौधों को और लगाऊंगा। और हम लोग किचन गार्डनिंग करने वालों के लिए 3-4 पौधे बहुत हैं। 56 कद्दू के केवल कद्दू थोड़ी खाना है, हमें तो और भी चीज़ें लेना है। अभी देखिए ये 56 कद्दू के अंदर 10 ग्राम बीज है, इसके अंदर 10 ग्राम बीज है। अब इस 10 ग्राम बीज को हम करेंगे क्या, फिर बात आ जाती है कि आप लोगों के बांटने के लिए ये 56 कद्दू के बीज फिर तैयार हो जाएंगे और मैं दूंगा भी। पर पिछली बार जब मैंने लगभग 1000 लोगों को बीज दिए, टमाटर के, गोभी के और ब्रोकली के, और उनमें से मेरे को फिर दोबारा पैकेट लाना पड़ा क्योंकि डिमांड लोगों की ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने दोबारा ही पैकेट मंगा कर लोगों को बीज भेजे। और अभी भी मेरे पास टमाटर का और ब्रोकली का बीज है और ये 56 कद्दू का बीज भी आ गया, पर उसमें लगभग 75% लोगों का ये कहना था मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं अभी आपको व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में दे दूंगा, कि भैया आप कोरियर चार्ज तो कम से कम ले ही लें। कोरियर चार्ज आप ले लें, नहीं तो बीज हम दोबारा आपसे नहीं मंगाएंगे, क्योंकि फ्री में हमको बीज नहीं चाहिए। फ्री में बीज चलो आप खोल देते हैं पैकेट, आप बड़ा पैकेट लेके आते तो हम लोगों को दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप बीज का पैसा ना लीजिए, मगर जो कोरियर चार्ज है, जो पैकिंग का चार्ज है, वो तो आप ले लीजिए। आप 5 रुपये का अपने उसमें, लगभग 75% लोगों ने कहा था कि आपने इसमें 5 रुपये का लिफाफा लगाया हुआ है और लगभग 17 रुपये आपने इसमें हमको कोरियर की जो रसीद भेजी है उसमें 17 रुपये आपके दिख रहे हैं लगे हुए हैं, तो ये 20-25 रुपये जो आपके लगे हैं, ये 25 रुपये लगभग आप इसमें कोरियर चार्ज जरूर ले लें। तो मैंने, और उन लोगों ने कहा कि भाई नहीं तो फिर हम बीज नहीं मंगाएंगे और फिर हमारा ये पैकेट बेकार हो जाएगा। मेरा जो उद्देश्य है, हर किचन गार्डनिंग करने वाले भाइयों के पास हाइब्रिड किस्म के अच्छे बीज पहुंच सके, तो मेरा उद्देश्य तो बेकार हो जाएगा अगर आप लोग बीज नहीं मंगाएंगे। तो फिर ठीक है, मैंने यही निर्णय लिया कि अब जिसको भी बीज ज़रूरत है वो मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेगा कि मेरे को बीज चाहिए, तो अब पैकिंग चार्ज उनको
का और कोरियर का, जो कोरियर का 17 रुपए लगता है और पैकिंग का 5 रुपए, 17, 5, 22 रुपए और कुछ उसमें टेप पेप और क्या कहते हैं कुछ अंदर और लिफाफे लगते हैं, तो कुल मिला के 25 रुपए का खर्चा आता है। तो वो 25 रुपए जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैं दूंगा, उसमें अगर पेटीएम या गूगल पे जो भी कर देंगे तो उसको मैं बीज उसके एड्रेस पर भेज दूंगा। नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ये अपना एड्रेस पूरा और डिस्ट्रिक्ट लिख कर जरूर भेजें, तभी क्योंकि कुछ लोग अधूरा एड्रेस भेज देते हैं, उसमें नाम ही नहीं होता, पूरा एड्रेस होता है, नाम होता ही नहीं। मैं जब उसको भेजने चलता हूँ तो उसमें पता चला नाम ही नहीं है। तो ऐसा ना करें, जो आप एड्रेस भेजें उसको अच्छी तरह से पूरा एड्रेस भेजें। अब मैं देखिए आपको बीज काट के दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस तरह के बीज निकलते हैं। ये देखिए आपके सामने मैं नामधारी का हाइब्रिड किस्म का बीज मैं काटता हूँ इस तरह से। देखिए मैंने आपके सामने ये काटा और बीज मैं निकालता हूँ कि इसका मैंने नामधारी का बीज अभी तक नहीं देखा था 56 कद्दू का कैसा निकलता है। मैं 4 बीज ही लगाऊंगा। ये देखिए इस तरह से इसमें नामधारी का ये बीज निकला। ये देखिए बहुत अच्छा बीज है और इसमें ये देखिए इस तरह से और काफ़ी बड़ा, जो मैंने पहले बीज लगाया था उससे ये बीज काफ़ी बड़ा है। अब मैं आपको इस बीज को लगा के भी दिखाता हूँ कि इस बीज को कैसे लगाना। अभी मैंने कुछ दिन पहले इन्हीं गमलों में, पता नहीं मेरे को किस गमले में, मैंने 56 कद्दू के बीज लगा दिए थे क्योंकि मैंने उसके ऊपर टैग नहीं लगाया था। अगर टैग नहीं लगेगा तो पता कैसे चलेगा, मैंने उसी में पता नहीं मैंने किसी में फिर दोबारा मैंने कोई दूसरी सब्जियां लगा दी। तो आइए मैं इधर आपको ले चलता हूं। मैं आज इन गमलों में मैं अपने जो थर्मोकोल के बड़े वाले बॉक्स हैं इसमें मैं 4 बीज लगाऊंगा क्योंकि ज़्यादा बीज लगाना ही अच्छा होता है और इसमें टैग भी लगाऊंगा क्योंकि उस बार मैंने टैग नहीं लगाया था तो पता ही नहीं चला कि बीज किस गमले में। और देखिए मैंने यहाँ पर इस गमले में ये टैग लगा दिया, ये टैग आप देखिए, और इसी में मैं 4 बीज 56 कद्दू के इस तरह से देखिए एक बीज मैं यहाँ रख दूंगा ऐसे और मिट्टी से दबा दूंगा, एक बीज मैं यहाँ पर मिट्टी से ऐसे दबा दूंगा और इसके बाद मैं इसमें पानी दूंगा। ये देखिए एक बीज मैं यहाँ पर इस तरह से ऐसे दबा दूंगा मिट्टी में और एक बीज मैं इस जगह पे मिट्टी में ऐसे दबा दूंगा। अब इसमें जो बीज अच्छे निकलेंगे उन्हीं बीजों को मैं रखूंगा, बाकी जो पौधा स्वस्थ नहीं होगा उन बीजों को मैं हटा दूंगा। अब देखिए टैग लगाने से मेरे को ये पता रहेगा कि इस गमले में मैंने क्या बोया है। अब इसके बाद जब आपने बीज बो दिए इसके बाद इसमें भरपूर पानी दे देना, इस तरह से हजारे से अच्छी तरह से पानी दे दीजिए। देखिए मैंने अच्छी तरह से बीज को गीला कर दिया। अभी आपको मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना देता हूं, जिस व्हाट्सएप नंबर पे उन्हें कुछ लोगों ने यह भी कहा मेरे से कि जो आपने बीज भेजे हैं वो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग तो फ्री के चक्कर में उनको बोना नहीं है वो ऐसे ही आपसे मंगा लेंगे, मगर आप अगर उसमें कुरियर चार्ज या इस तरह का कोई चार्ज रख देंगे जो 25 रुपये चार्ज होगा बीज भेजने का, उसमें मैं ब्रोकली का भी भेजूंगा, टमाटर का भी भेजूंगा, जो बीज मेरे पास अवेलेबल होगा 56 कद्दू का भी भेजूंगा। और किसी को अगर मूली का बीज चाहिए वो मिली जिसमें फलियाँ देती, ये देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को कमेंट्स करिएगा, जो जो बीज चाहिए उसी 25 रुपए में आपको सारे बीज, कोरियर का ही केवल वो चार्ज है, उसकी आपको रसीद मिलेगी और बीज आपके पहुंच जाएगा। मूली का बीज अगर आपने पौधा ना देखा हो, जो मूली खाई नहीं जाती उसकी फलियां खाई जाती, मैं इधर दिखा देता हूँ, वीडियो पूरा देखा करिए तभी आपको पूरी जानकारी होगी। ये देखिए ये वो मूली का पौधा है जिसमें ऊपर फलियां बनेंगी, ये देखिए यहाँ पे फूल बनने भी लगा, ये देखिए इसी में फलियां लगेंगी और इसमें ये नीचे जो बन रही है ये देखिए ये मूली नहीं है, ये फलियां खाने वाला मूली का पौधा है। ये देखिए ये मूली खाने वाला पौधा नहीं, इसकी फलियां खाई जाती है। अगर इसका बीज भी चाहिए, जिसको चाहिए तो मेरे को, मेरे पास है अभी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इष्ट मित्रों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।